एक तो एक के नरेंद्र मोदी की शान पेरिस में लेकर वॉशिंगटन तक धूम धूम हो रही थी स्टेट गेस्ट ये वो मतलब ऐसा लग रहा था कि सारा का सारा वेस्ट मोदी के कदमों में लेट गया है दूसरी तरफ यूरोपियन पार्लियामेंट इशू कर रहा है कॉन्डमनेशन बराक ओबामा हु इज प्रोबेबली मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिशियन इन द वेस्ट Uh, उसने इतनी तनकीद की अखबार में कई यू नो आर्टिकल्स तो ये दो डिस्कोर्स साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि ये जो आर्टिकल जिसका आप जिक्र कर रहे हैं टाइम मैगजीन में जो प्रेडिक्ट कर रहा है कि ट्वेंटी सेवनटी थ्री सेवनटी फाइव तक इंडिया विल बिकमेड इट विल बिकम द सेकेंड बिगेस्ट इकोनॉमी तो हम जो पोलिटिकल साइंटिस्ट हैं इकोनॉमिस्ट का मजाक उड़ाते हुए ये कहते हैं कि ये कैसा साइंस है विच होल्डिंग एवरीथिंग कॉन्स्टेंट वो कहते हैं कि भाई सब चीजें जैसे हैं वैसे ही रखो फिर सिर्फ ग्रोथ रेट देखो तो आप ये देखेंगे अगर मैं मिसाल देता हूं कि खुदा ना करे हजार बार खुदा ना करे मणिपुर जैसी झगड़ा अगर गुजरात में हो जाता है तो ये जो चिप मैन्युफैक्चरिंग के माइक्रॉन के इन्वेस्टमेंट से सारे यू थिंक वो रुकेंगे वहां पर भाग जाएंगे सो so, एक छोटी सी चीज कैन कंप्लीटली अपसेट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो आपको याद है मलेशिया का क्या बुरा हाल हुआ था 2008 में कैपिटल फ्लाइट हो गई थी कि इन्वेस्टर्स भी भाग गए थे फिर डोमेस्टिक कैपिटल भी बाहर चला जा रहा था और रिंगित की वैल्यू गिरते गिरते बहुत ही बुरा हाल हो गया था इनफैक्ट एक कहते हैं कि एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में आ, जॉर्ज सुरुस वॉज पासिंग बाय महा मोहम्मद तो उनकी मीटिंग वेर एट थ्री तो के रिक्वेस्टेड सुरुस टू मूव इट टू फोर फोर ओ क्लॉक तो सुरुस ने देख के बोला मोहम्मद सी यू एट फोर इतना नाराज हो गए वो महातेर मोहम्मद उन्होंने पब्लिक में स्टेटमेंट करके काफी एंटीसेमेटिक कॉमेंट वगैरा कर दिए उन्होंने जॉर्ज सुरुस के

इंडियाज इकोनमी सेवेंटी थ्री में ऐसा ऐसा होगी इट जस्ट ए प्रिडिक्शन यू कैन मेक पॉलिसीज़ बेस्ड ऑन दैट इंडिया हैज़ डू मेक के क्रिकेट में कहते हैं ना अपना डिफेंस टाइट रखें ताकि विकेट ना खड़ जाए आप बैटिंग कर रहे हैं छक्के पे चक्का लगा रहे ना हो जाए सो सो देर आर लॉट ऑफ डोमेस्टिक चैलेंजेस इकोनॉमिक चैलेंजेस इन्वेस्टमेंट चैलेंजेस और अगर आप वो आर्टिकल पढ़े दैट आर्टिकल डज नॉट प्रिडिक्ट चाइनाज डिक्लाइन और नेगेटिव ग्रोथ वो तो कर रहा है कि 2035 में चाइना सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी अगर 2035 में चाइना सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाती है और 2040 में इट डोमिनेट ग्लोबल पॉलिटिक्स तो क्या इंडिया के साथ जो वेस्ट के साथ तालुकात है विल इंडिया भी एबल टू तो डू दैट और विल चाइना क्रिएट प्रॉब्लम फॉर इंडिया ये सवाल कोई चीज डिस्कस नहीं हुए थे ना क्या इंडिया के जियो पॉलिटिक्स सडनली पलट जाएगी जिस तरह वो अमेरिका के साथ है क्या चाइना के साथ हो जाएंगे सो देर लॉट ऑफ इश्यूज आर नॉट बट ये बात सही है ये मैं तो कई शोज में पहले भी कह चुका हूँ फिर भी कहता हूँ कि ये जो वेस्ट का असेंडेंस है ना ये जो छोटा सा पीरियड है तारीख का आ, कहीं से भी ले ले आप सोलह सौ सिक्सटीन सेवनटीन सेंचुरी से लेकर अभी तीन सौ चार सौ साल में ये जो यूरोपियन का असेंडेंस है और अमेरिका का 1870 से तो ये बहुत ही छोटा सा एक डॉट है तारीख में जहां वेस्ट हैज डोमिनेटेड लेकिन हजारों साल तक इंडिया और चाइना वे द डोमिनेंट इकोनॉमीज़ शाहजहां और औरंगजेब के जमाने में इंडिया की जो जीडीपी हुआ करती थी इट इज टू बी 27 सेवन टू थर्टी बाद लोग 40 परसेंट भी कहते हैं ऑफ द ग्लोबल जीडीपी और इंडिया और चाइना

जो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं इंडिया के अंदर अगर उनको मैनेज कर लिया जाए ये छोटे मोटे तो चलते रहेंगे बिकॉज इंडिया इज अ डेमोक्रेसी इट इज नॉट गोइंग टू बी फुलटेबल जिसका एक अथॉरिटेरियन मॉडल है देन इंडिया शुड बी प्रिटी फाइन मतलब ट्वेंटी थर्टी ट्वेंटी फोर्टी तक ट्वेंटी फोर्टी सेवन कहते हैं नरेंद्र मोदी दैट इंडिया विल बिकम लाइक अ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री डिवेलप्ड बट यू मस्ट रियलाइज के वॉट इज डिवेलप्ड इज अ टारगेट विच इज ऑल्सो मूविंग अगर वो 2047 2047 में में अमेरिका अमेरिका आज आज जैसा है बन जाएगा तो अमेरिका कैसा होगा सोचिए आप से <laughs> 24 साल के बाद बट इट इज अ गुड मोटिवेशन पब्लिक में जोश आ गया है नेशनलिज्म आ गया है पीपल आर ऑल टॉकिंग अबाउट एजुकेशन डिवेलपमेंट ऑप्टिमिज्म uh, आ गया है तो लोग नौकरी छोड़ के बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं आर लॉट्स ऑफ स्टार्टअप्स वगैरह कल्चर में इंडिया के इकोनोमी में वाइब्रेंसी आ गई है इसकी वजह से आपकी जब टीम जीतती है ना तो बड़ा जोश और खरोश हो जाता है ना तो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया सो देर इज अ पॉजिटिव एंथजियाज्म इन द होल कंट्री अच्छा डॉक्टर साहब एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आ, इसको मैं थोड़ा सा एनालिटिकली डिस्कस करना चाहता हूँ एक तो ये मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि जो पॉपुलेशन है वो डिटरमिन करेगी मुस्तबिल को जो फ्यूचर है वो पॉपुलेशन ही फॉर एग्जाम्पल जो प्रोडिक्शंस हो रही हैं कि जी इंडिया की पॉपुलेशन वन बिलियन हो जाएगी सिक्स सेवन बिलियन हो जाएगी चाइना की कम हो जाएगी सो so, इस हवाले से जो है वो इस दुनिया इंडिया को इस एंगल से भी देख रही है कि इंडिया जो है वो एक सप्लाई चेन प्रोडक्शन कंज्यूमर बीएमएम मिलेगा सब कुछ देखेगा सो so, आप क्या देख रहे हैं जो मुस्तबिल है वो आप इसको आबादी के लेंस से देख रहे हैं क्योंकि वो जो गोल्डमैन सेक्स की जो रिपोर्ट थी जिसमें वो कहता है कि पाकिस्तान भी आई थिंक कितनी बड़ी छठी के सातवीं बड़ी इकॉनमी आई थिंक बन जाएगी ट्वेल्व

तो अगर आप इंडोनेशिया है तो चाइना आपके साथ कैसा डील करेगा हाउ इज इंडिया टू टू डील क्या यूएस जर्मनी बर्तानिया यूक्रेन के पीछे भागेगा या इंडोनेशिया के पीछे भागेगा पाकिस्तान के पीछे भागेगा विच इज बिगेस्ट टर्की भी उसमें हाई अप हो जाएगी ना टर्की ईरान भी देखिए पॉपुलेशन और पॉपुलेशन का आप देखिए इंडियंस और ऑल ओवर अमेरिका एंड यूरोप अगर आप यूरोप में देखें तो दो मुल्क इंडियंस को तीन मुल्कों में इंडियंस आर गवर्निंग अब पोर्चुगल को ले लें इंग्लैंड को ले लें और फिर आयरलैंड को ना इंडिया के लोग वहां पर गवर्न कर रहे हैं इंडियन डायस्पोरा इज डूइंग सो वेल यूएस में देखें वाइस प्रेसिडेंट अब सबसे एक्साइटिंग प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट अब अमेरिका में इंडियन है

सेवेंटी की जो बात कर रहे हैं अगर अमेरिका में दस फीसद पॉपुलेशन इंडियन अमेरिकन की हो जाए तो ये तो इंडिया की कॉलोनी बन जाएगी ना समझे वी आर ऑलरेडी टॉकिंग ऑफ ए पोटेंशियल अमेरिकन प्रेसिडेंट और इंडिया की पॉप, इंडियन अमेरिकन आर लिटिल मोर देन वन परसेंट इन डेढ़ परसेंट के करीब है पांच मिलियन साढ़े तीन सौ तीन सौ तीस में से सिर्फ पांच मिलियन इंडियन अमेरिकन से छा गए हैं

सो so, उसके अलावा सो इज नॉट जस्ट पॉपुलेशन इज ऑल्सो क्वान्टिटी एंड द क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन दैट मैटर्स लेकिन एट्स बिलियन अगर दुनिया का पॉपुलेशन नाइन बिलियन है और उसमें से तकरीबन बिलियन अगर इंडियंस हैं तो आई I मीन mean, इट विल बी इंडिया वर्ल्ड क्योंकि प्रडिक्शन कहे चाइना आधा हो जाएगा इंडिया का इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन सेवन सेवनटी कह रहे हैं

ढाई सौ मिलियन लोग और ऐड कर देते हैं तो पांच सौ बिलियन तो ऐड हो जाएगी ना पॉपुलेशन मतलब इकोनमी में सो दैट्स व्हाट द आर देखिए पॉपुलेशन से आपको वर्कफोर्स मिलती है पॉपुलेशन से आपको मार्केट मिलती है इंडिया को एक्सपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं रहेगी उसके डेढ़ बिलियन डॉलर डेढ़ बिलियन तस्वीर तो घर में ही है ना फॉरेन करेंसी की पर जरूरी है ना ये रुपए में बेच सकते हैं एट होम राइट they can grow their their industries and their businesses by just domestic consumption. फिल वक्त अगर आप देखें जो दूसरे बड़े इकोनॉमी जापान और जर्मनी ये एक्सपोर्ट के बगैर जिंदा नहीं रह सकते इफ अमेरिका स्टॉप इंपोर्ट और जापान जर्मनी वो खत्म हो जाएंगे पांच साल के अंदर क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट बहुत छोटी वन कुछ जापान में है और कुछ एटी के करीब जर्मनी है और उनके पास एरिया भी नहीं है ना हमारे साथ पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए इंडिया के पास अभी है जगह मतलब इंडिया इन पॉपुलेशन देन चाइना और अमेरिका सबसे ज्यादा आबादी के लिए अमेरिका के पास जगह है सो पॉपुलेशन प्ले ए मेजर रोल आपकी फौजियां बड़ी हो जा सकती हैं यू कैन कीप सेंडिंग मैन अगर लड़ाई में हो तो ठीक है यू you नो know? Uh, जैसा कि अब यूक्रेन और रशिया का देखें पॉपुलेशन का एडवांटेज हो रहा है ना रशिया को इन टर्म्स ऑफ रिक्रूटमेंट एक्सेट्रा एट सम पॉइंट अगर ये जंग और दो साल चलेगी तो वेस्ट को बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा कि बंदे कहाँ से लेकर आएंगे यूक्रेन में लड़ने के लिए ऑलरेडी ट्वेंटी परसेंट कम हो गया पॉपुलेशन यूक्रेन का फोर्टी से वो आठ मिलियन तो भाग गए ऑफेंसिव उनका फंसा हुआ है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पर्सनल ऑल्सो जिसे वो काउंटर ऑफेंसिव कह रहे हैं बिल्कुल मैं देख रहा था कल वो कहीं जा रहा कई फ्री जक्रिया भी कर रहे थे एंटनी ब्लिकन से बात कल इस हवाले से परसों मेरा ख्याल है इंटरव्यू में वो कह रहे थे क्यों नहीं दे रहे अच्छा डॉक्टर साहब ये एक आपने बात की कि दो डिस्कोर्स हैं ग्रेटर इकॉनमी इंडिया इज राइजिंग एंथीजम जज्बा है लेकिन दूसरी तरफ बाकी बातें भी आ रही हैं कि यार जो क्वालिटी है वो कम हो रही है डेमोक्रेसी है राइट्स आपको नहीं लगता कि जो जो सेंट्रल आर्गुमेंट है जो इस वक्त मौजूदा लीडरशिप के पास वो ये है कि जैसे आपने पाकिस्तान की मिसाल दी कि हम कैसे ख़राब हुए तबाही उतार दी हमने मुल्क की बर्बाद कर दिया हर चीज़ कहाँ से तरक्की कर रहे थे आपको नहीं लगता कि दे हैव दीज लेसन इन फ्रंट ऑफ दैट और वो थ्रेश होल्ड जो है उससे नीचे हर चीज रखते हैं या रखना चाहते हैं या रख सकते हैं उनकी ये कैपेसिटी है कैपेबिलिटी है या वो समझते हैं कि जो क्योस है होता है ये हमारे कंट्रोल में है सो डू यू थिंक ये जो चीज़ है ये जो माइंड सेट है दैट इज़ ऑल्सो देर कि अगर कहीं भी कुछ चीज़ें हो रही हैं तो उनको होने दें बिकॉज इंडिया इज़ डाइवर्स इंडिया बड़ा है ऐसे होता है ये फॉल्ट लाइन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं ये कोई नई नहीं, नहीं है ये कोई बीजेपी ने क्रिएट नहीं की सो इफ इट इज देर दैट इज गुड लेकिन वो थ्रेश होल्ड जो है वो उसको क्रॉस नहीं वो चाहते हैं कि वो ना करे एंड दे हैव एवरी थिंग इन देर कंट्रोल सो इट अ दोलिटिकल माइलेज ऑन सो मैनी अकाउंट्स देखिए पाकिस्तान के पास एक सुपर पावर है वो है कि मुसलसिल बेखुफाना decisions lete rehna lete rehna and not learn from it yeah. i can't imagine yeah. pakistan to become what it is today from the 1970s ki pakistan they have they unko na kuch kai hazar galat decision lene pade ek nahi do nahi kai hazar musalsil right और yeah. अब जो खार में जो अभी जो attack हुआ है, that is also a reflection of several bad decisions so तो, it is a very unusual circumstances के Uh, किसी डिवेलप सोसाइटी में इस तरह के मिसाल में आपको अमेरिका की देता हूँ देखिए एलगोर ने बैकआउट कर दिया एट कंट्री अपार्ट इन टू राइट जो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीशन दिया एल्गोर को लेकर जब ट्रंप ने इतने तमाशे किए टू एंड ट्वेंटी जनवरी में टू की जनवरी में तो

लोग ये ट्रंप के इतने फैंस हैं बट स्टिल द दे टुक द राइट डिसीजंस आप जजेस को देखें दे आर आल्सो मेकिंग अ लॉट ऑफ राइट तकरीबन 60 कोर्ट्स में गया रूडी जुलियानी टू सारे के सारे ने फेंके केसेस बाहर राइट कोई ट्रंप उसमें से ज्यादातर ट्रंप अपॉइंटेड जजेस थे और दे डिड नॉट बिट्रे द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन दे डिड नॉट बिट्रे द कंट्रीज डेमोक्रेसी तो इस तरह से बचता है मुल्क सही डिसीजन से एंड ये क्वालिटी आपको इंडिया में मिलेगी थोड़ा बहुत इंडिया में अभी आ गया है जैसे कि गुजरात के कोर्ट्स ने राहुल गांधी के साथ वो जज को जरूरत नहीं थी गिव वे मैक्सिमम टू ईयर पेनल्टी उसको वो अट्ठारह महीने की सजा दे दे सकता था तो उसकी पार्लियामेंट की सीट बच जाती थी राइट सो ही वेंट टू ब्रिंक मतलब ही वॉज ट्राइंग टू पुश इट तो इस तरह के डिसीशन से बुरा हाल होता है कंट्री इस तरह के अगर हजारों डिसीशन हो गए तो देन यू द कंट्री विल बी इन ट्रबल बट उसको बैलेंस कर देते हैं दूसरे कोर्ट तो पीपल आर मेकिंग डिसीशन जैसा कि अब ये मणिपुर के डिसीशन के मसले में कई गलत डिसीशन हुए पांच हजार बंदूकें चोरी हो गई गवर्नमेंट द वॉल्यूम ऑफ मिस्टेक्स इतना ज्यादा नहीं है कि

डोकलाम हुआ गलवान हुआ फिर uh, अरुणाचल प्रदेश में भी घुसने की कोशिश की सो दैट मीन्स इंडिया स्टिल सिक्योरिटी इश्यूज वेयर इट इज नॉट एबल टू क्रिएट ए अगेंस्ट इट्स नेबर्स पूरी तरह से सो इज अ लॉन्ग वे टू गो बट पॉपुलेशन के बारे में और एक चीज कहूंगा इट्स नॉट एनफ टू हैव पॉपुलेशन पॉपुलेशन में यूथ वाला पॉपुलेशन है इंडिया के पास बुढ़े बैठ गए इंश्योरेंस खा रहे हैं हेल्थ पे मुल्क के ऊपर जिंदा रहेंगे जितने साल उतना पेंशन उठाएंगे इमेजिन राइट बोझ हो जाता है ना लॉन्जेविटी जब सेहत अच्छी होने लगेगी लोगों की आ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाएगी वो सारा वेलफेयर स्टेट के ऊपर बोझ बन जाते हैं यहाँ पे इतनी बहस हो रही है कि रिटायरमेंट एज मूव टू से क्योंकि ताकि लोग प्रोडक्टिव रहे बट इंडिया एडवांटेज काफी यंग लोग हैं दे विल वर्क यानी घर में बैठ के खाने वाले लोग कम बाहर जाके काम करने वाले लोग ज्यादा विच इज गुड फॉर इकोनॉमी अलबत् चाइना और जापान की तरह हो जाएगा एजिंग पॉपुलेशन लोग मतलब सत्तर साल अस्सी साल नब्बे साल सौ साल क्या कर रहे हैं घर में बैठ के नेटफ्लिक्स देखेंगे लेकिन हेल्थ केयर पे तो बोझ बने रहेंगे ना हजारों लाखों डॉलर का रोज हेल्थ केयर चल रहा है दवाएं चल रही हैं केयर चल रहा है सो इनफैक्ट द बिगेस्ट इंडस्ट्री कह रहे हैं कि अमेरिका में आई तीस चालीस साल में जो सबसे ज्यादा द बिगेस्ट इंडस्ट्री विल बी हेल्थ इंडस्ट्री हेल्थ केयर के लोग uh, कह रहे हैं कि मोर देन वन थर्ड ऑफ पीपल पॉपुलेशन सिर्फ हेल्थ केयर में इन्वॉल्व होंगे नर्सिंग लोग जॉब छोड़ के अपने घर में बूढ़े माँ बाप बूढ़े नाना दादा उनके ख्याल रखने लगेंगे मतलब एवरीबडी विल माइनर इन नर्सिंग मेजर कुछ भी रहे आपका कॉलेज में माइनर नर्सिंग में करेंगे आप टू कट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर